गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश लेक्चर वंस अगेन। एंड दीज आर द क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर द चैप्टर। द नेम वॉज मैजिक शो। सो उसके ये क्वेश्चन और आंसर्स हैं, तो कर लेना आप। ये मैं आपको ये दे रही हूँ, इनके आंसर्स प्रोवाइड करवा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, हु वर रिटर्निंग होम फ्रॉम द मैजिक शो? एंड द आंसर इज गरिमा, हर ब्रदर सूरज एंड देयर पेरेंट्स वर रिटर्निंग होम फ्रॉम द मैजिक शो। क्वेश्चन नंबर टू इज, व्हाट डिड गरिमा थिंक अबाउट द मैजिशियन? एंड द आंसर इज गरिमा थॉट दैट अ मैजिशियन कैन डू एनीथिंग, ही कुड कट गर्ल्स हेड एंड फिक्स इट बैक। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, हु कैरीज अ मैजिक वैंड? एंड द आंसर इज द मैजिक सॉरी द मैजिशियन एंड अ फेरी कैरीज अ मैजिक वैंड। क्वेश्चन नंबर फोर इज, व्हाट डिड फादर से अबाउट द मैजिशियन? एंड द आंसर इज फादर सेड दैट अ मैजिशियन इज नॉट अ सुपरमैन, ही जस्ट यूज हैट रिबन्स मिल्क एंड टेबल इन अ स्पेशल वे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, Why do the magician's tricks appear real? And the answer is the tricks of magician appears to be real because he practices those tricks for hours again and again. Next question hai iska, what should we do to fulfill our wishes? And the answer is, we should do a lot of hard work and to make efforts to fulfill our wishes. फिर है इसमें आगे बी पार्ट दिया हुआ है। बी पार्ट में है कि हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो वर्ड्स हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं जो नीचे मैं पढ़ूंगी अभी, वो किसने बोले हैं। इसमें फर्स्ट है, ही कैन कट ऑफ अ गर्ल्स हेड एंड फिक्स इट बैक। ये पोइम के सॉरी चैप्टर के अंदर ये लाइन गरिमा ने बोली थी, तो आंसर गरिमा। बी, आई वॉन्ट टू बिकम अ मैजिशियन वैन आई ग्रो अप। ये लाइन जो है सूरज ने बोली थी। सी, येस आई हैड बट आई स्टिल कैन नॉट बिलीव इट। और ये लाइन जो है वो भी सूरज ने ही बोली थी। And the D is, when you saw a movie, you wanted to become an actor. ये लाइन मदर ने बोली थी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो दिए हुए वर्ड पावर। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग्स है, ए पार्ट जो है इसका मैच करने हैं। क्वेश्चन में है, फर्स्ट है ट्रिक्स, सेकेंड है मैजिशियन, थर्ड क्विक और फोर्थ है मैजिक, फिफ्थ है क्वाइटली एंड सिक्स्थ इज एक्साइटिंग। और इसके आगे आंसर जो आंसर कॉलम में जो दिए हुए थे वो बी कॉलम में दिए हुए हैं। ए है कालमली, बी है डन विद स्पीड, सी है एन एक्टिविटी दैट अमेजेस समवन, डी यहाँ पे दिया हुआ है इंटरेस्टिंग, ई यहाँ पे दिया हुआ है फन एक्टिविटीज एंड एफ यहाँ पे दिया हुआ है मैन हु प्लेज मैजिक। सो इसके आंसर जो है वो फर्स्ट का ई होगा, सेकेंड का एफ, थर्ड का बी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का ए एंड सिक्स्थ का लास्ट डी। फिर है इसमें बी फिर से मैच द फॉलोइंग्स दिए हुए हैं। और यहाँ पे फर्स्ट जो दिया हुआ है वो है पॉसिबल, सेकंड है क्विक, थर्ड है आफ्टर, फोर्थ है लाइट एंड फिफ्थ है रॉन्ग। ये जो मैच द फॉलोइंग है, इन्हें जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनके यहाँ पे अपोजिट वर्ड अपोजिट वर्ड्स के साथ पेयर करना है। सो आंसर साइड में कॉलम जो है वहां पे दिया हुआ है। ए है डिसलाइक्ड, बी स्लो, सी इम्पॉसिबल, डी है राइट एंड ई इज बिफोर। इसके आंसर्स हैं फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का ई, फोर्थ का है ए और फिफ्थ का है डी। इसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक और एक्सरसाइज दी हुई है, सी एक्सरसाइज है, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। जो चीज़ जिसके रिलेट में जाती है वो उसका आंसर लिखना है। पहला है म्यूजिक इज टू म्यूजिशियन। म्यूजिक जो है वो किस से रिलेटेड है, म्यूजिशियन से, या म्यूजिक जो है वो कौन प्ले करता है, म्यूजिशियन। सेकेंड है डाइट इज टू अ डाइट, कौन देता है, डाइटिशियन, डी आई ई टी आई सी आई ए एन, डाइटिशियन। थर्ड है ब्यूटी इज टू अ, और इसका आंसर है ब्यूटिशियन।
फोर्थ है मैथमेटिक्स इज टू अ, और इसका आंसर है मैथमेटिशियन, MATHEMATICIAN. पेडिट्रिक्स इज टू अ पेडिट्रिशियन, और इसकी स्पेलिंग है PAEDIATRICIAN. ये थे आपके द मैजिक शो के क्वेश्चंस जो और बुक एक्सरसाइज जो कि दी हुई है चैप्टर के पीछे, नोटबुक में कर लेना. ओके, थैंक यू.